वैसे मैं तो जीजाजी से शादी नहीं कर सकती, लेकिन उनका जुड़वा हो तो थैंक यू वाला दिन लाइफ में कंटे हो रखे हैं। सिर जी क्या घोट रही हो दिमाग में? दिमाग की सारी नसें चौकड़ी मार के बैठी है, ऐसा लग रही है। अरे लोटे कुछ ना, मैं बस इलायची के बारे में सोच रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि अच्छा लड़का मिल जाए तो उसके हाथ पीले कर दूँ। और इलायची कैसी है? अबे थप्पड़ के गूंज जैसी है, खाएगा बट खाएगा। सेठी तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई मतलब इलायची की टक्कर का लड़का मिल ही जाएगा। अबे टक्कर तो ऐसे कह रहे हैं जैसा मुझे पहलवान ढूंढना है। बात कर रहा है बेकार की तू भी। मैं कह रहा था मेरे एक गुरु जी हैं, समझ रहा है? उनकी भविष्यवाणी जो है वो एकदम कमान से निकला हुआ अर्जुन का तीर होती है, कभी जो है निशाना चूक ना सकता है, समझ रहा है? अरे क्या हो रहा है ऐसा है सेठ जी, निशाना तो पिंकी जी कभी ना चूकता, पिंकी जी बोल रही है। अरे दरोगा जी मैं अपने गुरु जी की बात कर रहा हूँ, जिनकी भविष्यवाणी एकदम शत प्रतिशत एकदम सही होती है। अच्छा मतलब आपके गुरुजी है वो घड़ी का घंटा हो रखे हैं जो एकदम सही वक्त पे बजेंगे, है ना? बजनी तो तेरी चाहिए। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आपने बाजरे की रोटी नहीं बनाई बहुत दिन से। और वो चटनी भी ना बनी है किसी की बड़े दिनों से। और वैसे सेठ जी आपके गुरुजी थाने आए थे आज अपना आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए, उनके हिसाब से ठीक 9:02 में पिंकी जी जनता के द्वारा धुले जाएंगे। बताइए मतलब पिंकी जी जनता के दुलारे प्यारे, उन्हें जनता ही धोएगी, ऐसा कभी हो सकता है क्या? बस एक बार तबीयत से धुल जाए। साहब जी आपकी वर्दी धोनी थी ना, गंदी हो रखी है, ये बोल रहा था मैं। अरे ऐसा है सेठ जी, पिंकी जी की घड़ी में ठीक 9:01 हो रखा है और आपके गुरु जी की भविष्यवाणी का दूर दूर तक कुछ अता पता है ही नहीं। सर जी। हाँ जी। ये आपका दुपट्टा गिर गया था वहाँ। पिंकी जी का? हाँ। कहाँ? वहाँ पे। ओ थैंक यू, पिंकी जी का दुपट्टा भी आ गया भाई, ये लो। अरे हाँ जी भाइयों, यही वो साला जो लड़कियों को चढ़ता है, मारो साले को। अरे बाप रे कूट दिया। आए तेरा सत्यानाश हो। अरे ये क्या कर रहे हो, ये वो नहीं है, वो तो भाग गया। सॉरी भाई साहब। ओके सिस्टर। बाप रे ठीक 9:15 एकदम कड़क टाइम हुआ है अभी। सेठ जी वो आपके गुरुजी की भविष्यवाणी सच हो गई,
बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। इलायची जी, ये क्या करती रहती हैं आप इस तरह से हमारे साथ गुसल खाने में आती रहती हैं। हम आपको बता रहे हैं, अगर सेठ जी ने हमें पकड़ लिया ना हम दोनों को एक साथ, तो मरेंगे। और मर के हमारी प्रेम कहानी अमर हो जाएगी। और यही हमारा एक खूबसूरत सा स्मारक बनेगा, उस पे लिखा होगा गुसल खाने की प्रेमी इलायची और पंचम। वो पता चढ़ावे कैसे चढ़ाएंगे लोग, साबुन की बट्टी, शैम्पू, तौलिया। इलायची जी, हमें एक बात बताइए, ये बकवास बातें करने का आपका बचपन से टैलेंट है कि आपने कोई डिप्लोमा किया है? नहीं, वो भगवान जी की बड़ी कृपा है मुझ पे, थैंक यू। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात बतानी, फिल्म देखने जाना है दोनों को 3 बजे। अगर हम आपके साथ फिल्म देखने जाएंगे ना तो हमारी फिल्म बन जाएगी, आप यहाँ से निकलिए फिलहाल। क्यों डरते हो इतना? ऐसा नहीं कि मम्मी पापा अपना काम छोड़ के यहाँ पर बाहर ही बैठ जाएंगे बाथरूम में, सब कुछ नहीं। देखिए लाइसी जी, आप चुप रहिए और बाहर आइए। आइए 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 गुरुजी, आइए 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 आइए, यहाँ 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 विराजिए, आप यहाँ विराजिए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो करू बहू, कैसी हो? ठीक। आपके वो चेले नहीं आए? वही, उसी को देख रहे हैं, कहाँ मर गया ये। अरे रिक्शे वाले को पैसे मैंने दे दिए भैया, अंदर आ जाइए, आ जाइए। वो जूता निकल गया था बाहर। आप एक काम कीजिए, आप गुरुजी के लिए ना गर्मा गर्म चाय और नाश्ते का प्रबंध कीजिए। हाँ, अभी लाइए। गुरुजी, तब तक जो है आप इलायची की कुंडली देख लीजिए। नहीं बेटा, मुरारी बात ऐसी है कि रास्ते में आते हुए हमें गर्मी बहुत लग रही थी। अच्छा, तो क्या है, ज्यादा नहीं 3 गिलास लस्सी के हम चढ़ा गए। हुआ ये कि हमारे पेट का संतुलन थोड़ा बिगड़ गया है, हमें अति शीघ्र मूत्र विसर्जन की आवश्यकता है। अरे तो इसमें कौन सी परेशानी है, आप मेरा गुसल खाना इस्तेमाल कर लीजिए। नहीं नहीं मुरारी, हमारी विद्या कहती है कि तुम्हारे गुसल खाने में जरूर टाइल लगी होंगी, तो क्या है कि हमारा पैर फिसल सकता है, गिर सकते हैं हम। गुरुजी का सर टाइल से फूटने की आशंका है, ऐसा इनकी कुंडली में लिखा हुआ है। अरे आप बिल्कुल फिक्र ना करो, वो करूं ना क्या है, हर टाइल पे पैर रख रख कर सारी टाइलें जो है धसा दी हैं गुसल खाने की। गुरुजी के सामने भी नहीं छोड़ते, मेरे तो भागे फूट गए। और कोई गुसल खाना है? कैसी बात कर दी, आप ये वाला बाथरूम इस्तेमाल कर लीजिए। आइए 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 गुरुजी, ठंडी हो जाएगी। अरे पहले ये आइए आइए आइए। मैं कौन है अंदर? सेठ जी, हम पंचम पलटन, तू अंदर क्या कर रहा है? सेठ जी, हम कोई पतंग तो नहीं उड़ा रहे होंगे, हम वही कर रहे हैं जो गुसल खाने में लोग करते हैं। क्या यार आपका पापा? अबे जल्दी बाहर आ, बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि हमें समय लगेगा, प्लीज दूसरे वाला गुसल खाना इस्तेमाल कर लीजिए। अरे दूसरे वाले बाथरूम में गुरुजी ना जा सकते हैं, तू जल्दी बाहर आ। नहीं सेठ जी, हम अभी नहीं आ सकते, अभी हम बहुत व्यस्त हैं और बहुत ही बुरी स्थिति में फंसे हुए हैं, आप प्लीज सेठ जी दूसरा गुसल खाना इस्तेमाल कर लीजिए। गुरुजी, तब तक आप 5 मिनट के लिए यहाँ बैठ जाइए, है ना? आइए। और ये 5 मिनट का समय जो है, आप जो है इलायची की कुंडली देखकर बताइए कि उसकी कुंडली में क्या संजोग बन रहा है। बेटा मुरारी, समझा करो तुम, तुम्हारी बेटी के भाग्य की पोथी जो है वो हम कल खोलेंगे, अभी तुम दरवाजा खुलवाओ जल्दी। अच्छा, अबे जल्दी आ बाहर,
अंदर क्या टाइल्स खोद कर क्या प्याज बो रहे आए? सेठ जी वो इस समय हम बहुत व्यस्त हैं सेठ जी, हम हमारी स्थिति बहुत खराब है। हाँ वो सेठ जी प्लीज समझने की कोशिश करिए, वो दरअसल क्या है कि हमें कल बुबू ने रात में कुछ ऐसा कुछ खिला दिया था जिसमें बहुत ज्यादा तेल मसा। ओ आ, 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 प्लीज आप समझने की कोशिश करिए, आप दूसरा गुसल खाना इस्तेमाल कर लीजिए प्लीज। ओहो पेट बड़ा खराब है, गुड़गुड़ हो रहा है सेठ जी प्लीज। मौसम में भारी बारिश होने की संभावना दिख रही है, सुना तुमने, जल्दी कर। गुरुजी आप एक काम करिए, मेरे बाथरूम में चलिए, मैं आपका हाथ पकड़ के ले चलूंगा, गिरने की कोई संभावना ना रहेगी। अरे कैसी बात करते हो तुम, क्या है कि हाथ पकड़ने से हमारा जो है ध्यान बट जाता है और फिर अच्छा भी नहीं लगता, समझा करो तुम। और पलटन मैंने तेरे सोने के लिए बाथरूम ना बनवाया है। सेठ जी पंचम तू जल्दी बाहर आ, अगर तू आना आएगा तो मैं आ रहा हूँ अंदर। नहीं सेठ जी आप अंदर मत आइए, हम आएंगे बाहर आएंगे आ जाएंगे, होगा करके दिखाएंगे। अबे जल्दी आ बाहर। अरे देखना यार गुरुजी की क्या हालत हो रखी है। अबे खोल पलटन, अबे खोल ना, अरे जल्दी आना बाहर। अबे बेटा मुरारी। हाँ गुरुजी। रहने दो अब, जो होना था वो हो चुका। आप एक काम कीजिए, तौलिए और धोती का इंतजाम कीजिए, हैं? जाइए जाइए। आइए गुरुजी अंदर आइए, आइए आइए। बाहर जाइए बाहर जाइए। जीजा जी 3 बजे फिल्म में, याद रखना आ जाना। अरे यार अजीब लड़की है यार, कभी भी गुसल खाने में आ जाती है हमारे सामने, हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या, मरवा के रहेंगी एक दिन, प्यार करते तो कुछ भी करवाएंगी। जीजा जी कब तक हम ऐसे ही बस छुप छुप के मूवीज देखेंगे, आगे का कुछ सोचा? सोचा नहीं लाइजी जी, इंटरवल में जाके आपके लिए पॉपकॉर्न और हमारे लिए समोसे लाएंगे। इतने रोमांटिक माहौल में समोसे पॉपकॉर्न सोच रहे हैं? वहां देखो लड़का लड़की के बाप से ना हाथ मांग रहा है ऐसे, ये दे दो हाथ और ये समोसे दे दो। इलायची जी अगर हीरोइन का बाप सेठ जी जैसा होता ना तो अभी उसका श्राद्ध का सीन चल रहा होता। इलायची जी हम क्या करें यार, जब भी हमने अपनी हिम्मत की आग जलाने की कोशिश करी है ना सेठ जी के डर के आंधी ने उसे हमेशा फूक मार के बुझा दिया। नहीं आपसे कोई मतलब नहीं बनता, आपसे रोमांटिक बातें होनी ही नहीं है, आपको तो मोड की ना एकदम चाची ताई करनी है हमेशा की तरह। रहने दो। आप नाराज हो गई इलायची जी, ऐसे गुस्सा क्यों? अच्छा सुनिए तो इलायची जी, ओके चलिए माना कि आप गुस्से में बड़ी प्यारी लगती हैं, आपके गाल लाल लाल हो जाते हैं, आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और आपकी नाक एकदम तेज तलवार की तरह हो जाती है, पर फिलहाल हम पिक्चर देखने आए हैं तो इसको एंजॉय कर लेते हैं। हाँ हर पल को एक साथ जीना है, याद है आपको हमने वादा किया एक दूसरे से? आप सच में मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? Oh, my God.
भाई साहब आपका हो गया हो तो पिक्चर देख लें, मेरे पास 150 रुपये और एक्स्ट्रा नहीं है दूसरी बार आने के लिए। नहीं नहीं सॉरी भाई साहब, जान लो उधर। सुनिए बात सुनिए, थोड़ा करीब आइए ना, क्या हम समोसा ले आए? भूख लगी है वाकई में ना, यहाँ पे मूवी देखना ठूसने आए हो। कट्टी 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 नहीं बात कहाँ कहाँ बचना पड़ता है पुलिस वालों से भी भैया। अरे ये कौन सी फिल्म लगी हुई है भैया? अच्छा बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा मुझे। दरोगा साहब थोड़ा जल्दी कीजिए, गुरुजी को एक सत्संग में जाना है। अच्छा, वैसे तो पिंकी जी को भी कच्चे आम की चटनी बनाने जाना था, पिंकी जी गए? पिंकी जी पूछ रहे हैं रसोईया कहीं का। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आज ना मुझे बहुत बुरा लगा कि आप रसोई में ना जा पाए, है ना? दरोगा जी ऐसा है कि इनकी बात को आप छोड़ दीजिए, हाँ। आप हमारे कागजों की अच्छी तरह जांच कर लीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं है। अच्छा जी गुरुजी, मतलब ये हो रखा है कि पिंकी जी को अपने थाने में क्या करना है और नहीं करना ये आप बताएंगे? तो पिंकी जी क्या यहाँ बैठे बैठे मैंगो शेक बनाएंगे? अरे अपना मंगीलाल, हाँ जी साहब, मैंगो शेक के लिए सफेदा उठा ले था मंडी से। कोई इसे क्यों नहीं उठा लेता। सर जी मैं तो कल्लू को बोल रहा था, अबे कल्लू आम की बोरी उठा ले बेटा, उठा। हाँ, कह रहा था गुरु जी पिंकी जी ने आपके सारे पेपर देख लिए, पिंकी जी को तो आपका मामला एकदम क्लियर दिख रहा है, सब ठीक है, ये ले जाइए आप। बस इतना बताइए को जब चाय पानी कोई ठंडा ठंडा पियेंगे तो है? नहीं नहीं आप तकलीफ न करें, बस हम जाए हैं, एक बात आपसे कहना चाहते हैं आप ही के बारे में जो आप सुन नहीं पाएंगे। क्या है कि कल का दिन आपके लिए भारी होने वाला है। अरे वाह गुरु जी, मतलब वाकई है, वाकई आप एकदम अंतर्यामी हो रखे हैं। आपको कैसे पता चला कि पिंकी जी कल छोले भटूरे बनाने का सोच रहे थे, वो भी पंजाबी स्टाइल? अबे पूरी बात सुन ले गेंडे। ना ना कसम से साहब जी आपको ना बोल रही हूँ, ये कल्लू खा खा के गेंडा हो रखा है सारा, आम की बोरी ना उठा पा रहा, अबे उठा ले। दरोगा जी हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि कल आप फिर से पिटने के लिए तैयार रहिएगा, बहुत भारी मात्रा में लात घूंसे आपको पड़ने वाले। अच्छा मतलब ऐसा है गुरुजी, देखिए अब तो ना कुछ ज्यादा हो रहा है, आपका तुक्का एक बार क्या लग गया, आपको लग रहा है मतलब हर बार लग रहा है, ऐसा कोई जरूरी तो ना हो रखा। और वैसे आपको पिंकी जी अपने बारे में एक बात बता दे, पिंकी जी जो है ना ये पिटने वाला कोई काम करते नहीं है। दरोगा पिंकी त्रिपाठी जी, हाँ जी, ये गुरु चतुर्मुख जो कहने जा रहा है वो ध्यान से सुन लीजिए कि माथे पे लिखी तकदीर और हाथों की लकीर इन्हें कोई बदल नहीं सकता, आपका पिटना निश्चित है। चले बेटा आलोकानंद जी। नमस्कार, खुश रहो। नमस्ते।